हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो की स्पीड हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं कि कैसे आप जियो की स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो हम स्पीड टेस्ट में जाके हम चेक करते हैं। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी है जहाँ पर पता चलता है कि कितनी स्पीड आ रही है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ पहले कि हमारी स्पीड जो है कितनी आ रही है। तो मैंने टेस्टिंग पे कर दिया है, उसके बाद यह बताएगा हमें कि हमारी स्पीड जो है कितनी आ रही है। तो ये हमारी स्पीड बता रहा है 0 और ये इसका रिजल्ट आ गया है कि 0.72 MBPS हमारी स्पीड आ रही है। तो ये मैं बैक आ गया हूँ। तो हमें क्या स्पीड बढ़ानी है, तो हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं सेटिंग में आ गया हूँ, उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपका नेक्स्ट पेज इस तरीके से खुल जाता है। तो आपको देखना है SIM1 Jio। तो आपको APN में जाना है, APN सेटिंग में आपको जाना है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, के बाद क्लिक करते तो आपको यहाँ पे Jio 4G Jio Net के सेटिंग दिख जाते हैं, यहाँ पर आपको एडिट करना है। तो आप इसे एडिट करते हैं तो आपको और बाकी सब कुछ सेम रहने दे। तो आप देख रहे हैं इसे कि IPv6 पर है, तो हमें क्या करना है, IPv6 पर क्लिक करना है। तो ये हमने इसको सेट कर दिया है, APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ से इसको ऊपर से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब हमारा सेव हो गया है सेटिंग। के बाद हम लोग बैक जाएंगे और हम दोबारा से सेटिंग करने के बाद हम लोग स्पीड टेस्ट अब चेक करेंगे हमारी स्पीड कितनी बढ़ी है या कम हुई है। स्पीड टेस्ट ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं ऐसे डाउनलोडिंग पर मैंने तो डाउनलोड देखिए अब उसकी डाउनलोड की स्पीड कितनी आ रही है। तो देखते हैं पहले हमारी कितनी आई थी और अब कितनी आई है, कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारी स्पीड जो है 0.87 MBPS हो गई, जो कि पहले कम थी। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।